ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मुंह नहीं रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, ये बात दिखने में तो बहुत छोटी है, जैसे कि थोड़ा सा नमूनिया हो गया है, और अगर अम्मी अगर एडमिट हो जाती तो रोहान फिर कहाँ रहता? तो शेख कहता है कि साथ ही रहता। तो ये बात दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन इसके पीछे के जो मतलब है ना, वो बहुत ज़्यादा आप कह लो कि मतलब है, मतलब एक बड़े मतलब के साथ हैं ये दोनों बातें। जैसे कि मैं सिर्फ शेप की बात नहीं कर रही हूँ, ये टॉपिक अगर ये बात अगर आप देखो ना, तो ये 90% मर्दों का यही है। जब भी औरत बीमार होती है ना, तो कहा जाता है बस थोड़ा सा तो है, थोड़ी सी तो बीमार है, थोड़ा सा तो यही है, क्या ज़्यादा थोड़ी है, तुम नाटक कर रही हो, तुम जो है वो ड्रामा कर रही हो, ये तकरीबन औरत को कहा जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब कुछ मशहूर भी जो ना, वो औरत ने खुद किया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा सिंपति लेने के चक्कर में, लोगों से नहीं, अपने हस्बैंड से, अपने हस्बैंड की नज़रों में आने के लिए, उसकी केयर लेने के लिए। उसको लगता है बीमारी एक ऐसा जरिया है जिसके ज़रिए मैं अपने हस्बैंड की नज़रों में ना बहुत ज़्यादा आ सकती हूँ, मुझे उसकी केयर मिल सकती है, मुझे उसकी अटेंशन मिल सकती है। यहाँ पर गलत दोनों है कि मर्द उसको वो अटेंशन उस वक्त क्यों नहीं देता जब वो ठीक होती है, उस वक्त उसको अटेंशन क्यों देता है जब वो बीमार होती है। उसको लगता है कि यार मेरी बीमारी में मुझे अटेंशन मिलती है, इसलिए वो बीमार होने के ड्रामे थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा करती है। यानी वो अगर 20% बीमार है तो वो अपने आप को 110% बीमार दिखाती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे ज़रूरत है आपकी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे का, और मुझे लगता है सबसे ख़राब तरीका है कि आप लोग एक दूसरे की केयर हासिल करने के लिए खुद को बीमारी के ढोंग रचाओ। क्योंकि एक वक्त आएगा जब आदमी भी बेजार हो जाएगा और औरत भी बोलेगी यार कितनी बार मैं नौटंकी करूँ, उसको तो देनी ही नहीं है अहमियत। ये एक छोटी सी पार्ट है और ये हर घर का किस्सा है, लेकिन हम इनको डिस्कस इसलिए करते हैं क्योंकि ये अपना सोशल मीडिया पर आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली डिस्कशन होती है इनके बारे में। तो कहने को ये बहुत छोटे सा टॉपिक था, छोटे से जुमला था कि थोड़ा सा नमूनिया है। सिर्फ औरत के मामले में ही थोड़ा सा वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? क्यों जब शुएब बीमार होता है तो दीपिका ये नहीं कहती कि थोड़ा सा ही तो नज़ला खांसी है, दीपिका क्यों इतनी पागल हो जाती है? और ये हर औरत हो रही होती है पागल, वो कह रही होती है नहीं थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा है मेरे हस्बैंड को, और वो भी बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता है कि नहीं बहुत ज़्यादा। उस वक्त आदमी को तो नहीं कहा जाता कि ये नाटक कर रहा है या ये सिंपति लेने के लिए कर रहा है, क्योंकि जो भी इंसान नॉर्मली बीमार होता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बीमार समझता है, उसको लगता है कि नहीं यार मैं बहुत बीमार हूँ, मुझ में ताकत नहीं है, मैं बीमार हो गया हूँ। तो ये एक नेचुरल ह्यूमन बींग है, ठीक है ना, एक नेचुरल है कि हर इंसान को लगता है जब भी वो बीमार होता है उसको लगता है नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझसे नहीं उठा जा रहा है। उसको थोड़ी सी बीमारी में केयर भी चाहिए होती है, वो अपने आप पर बीमारी बहुत ज़्यादा हावी भी कर रहा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बीमारी को हावी नहीं करते हैं, और ना अक्सर बीमारी को हावी करके बिस्तर से लग जाते हैं, दो चार दिन के लिए नहीं हो पा रही होती है हिम्मत। तो ये एक नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल है, नॉर्मल चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है शुएब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिंग भी करता है। लेकिन मैंने हमेशा कहा मर्द थोड़ा ज़्यादा जब बीमार होते हैं ना, तो मर्द बहुत ज़्यादा बच्चा बन जाता है, मतलब बच्चे से भी बच्चा बन जाता है मर्दों की, तो ये होती है खासकर उसमें। अब यहाँ ना बहुत बड़ा सवाल है, निशान उठता है कि मतलब रोहान को लेकर इतना कंसर्न, क्योंकि अगर दीपिका एडमिट हो जाती तो रोहान को कौन संभालता? यहाँ पर इसलिए कंसर्न है क्योंकि दीपिका की बहुत बड़ी बड़ी बातें रही हैं ना कि मेरे घर वाले तो ऐसे हैं, अम्मी ऐसी है, और ऐसा नहीं कि घर में कोई है नहीं और रोहान रहता नहीं है किसी के पास। और यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे अजीब भी लगी है कि दीपिका की अम्मी को बिल्कुल गायब कर दिया गया, कि उसको दिखाया ही नहीं गया। अब उसकी ना बहुत सारी वजहें होती हैं, अगर आप देखो ना बैकग्राउंड में तो दीपिका की अम्मी की वॉइस आ रही है, उनके हंसने की आवाज़ें भी आ रही हैं, लेकिन ना उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, ना उनको रोहान को उनके पास रखा गया। मतलब अब तो वो इतना ज़्यादा मदर फीड पे है भी नहीं, क्योंकि नॉर्मली वो खाने वगैरह खा लेता है, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा मदर फीड पे नहीं है। तो अगर वो रखना चाहे रोहान को 2-3 घंटों के लिए कहीं भी, और हॉस्पिटल जैसी जगह पे जहाँ पर वैसे ही मना किया जाता है कि बच्चे को नहीं लेके जाना चाहिए, और खास करके प्रीमेच्योर बच्चे को, बहुत ज़्यादा जर्म्स वगैरह होते हैं, इन्फेक्शन फौरन अट्रैक्ट करता है, और वो अभी कुछ ही दिन पहले बीमारी से उठा है, तो क्यों जो है इनके घर के अंदर ये वाला रिवाज नहीं? मतलब नॉर्मल घरों में तो दादी पुप्पी नानी रख लेते हैं, मतलब हमारे घर में भी जब बच्चे बड़े हुए हैं तो इसी तरीके से हुए हैं कि जब हमें कभी हॉस्पिटल जाना हुआ हो, या हमने जब दूसरे बच्चे को एक्सपेक्ट किया हो, और जब हमें उसकी डिलीवरी वगैरह के लिए जाना हुआ, तो हमारे पहले बच्चे नानी दादी वो संभाल लेते हैं, इसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोग हमारे पास हॉस्पिटल में रह जाते हैं, एक अम्मी घर अगर नानी हॉस्पिटल में है तो दादी पहले वाले बच्चे को संभाल लेती है, और अगर दादी हॉस्पिटल में रह रही है तो नानी संभाल लेती है। अदरवाइज आपके पास वो रिलेशन ना हो या वो बहुत ज़्यादा बिस्तर में हो, तो समझ में भी आता है कि नहीं यार तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है,
तो ये बहुत बड़ा सवाल है, यानी उस रिश्तों के ऊपर ही बात होती है जिन रिश्तों को इन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। यानी अगर बहुत शुरू से खोखले रिश्ते दिखाए होते ना, अब यहाँ पर सभा की सिचुएशन होती तो शायद बंदा समझता भी गया, सभा के इन लॉस के साथ नहीं बनती, वो हम सब ने देखा है कि वो अपने इन लॉस के साथ अनकम्फर्टेबल है, वो अब तक है, 2 साल होने को आ गए लेकिन उसका कम्फर्ट जोन अब तक अपने ससुराल वालों के साथ नहीं है। लेकिन दीपिका ने तो एक लेवल का कम्फर्ट जोन रखा हुआ है। अच्छा, कल ना मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पर एक कमेंट आया हुआ था मुझे कि अगर ये इतनी ज़्यादा एफर्ट अपनी फर्स्ट मैरिज में भी दिखाती तो क्या उसकी फर्स्ट मैरिज जो है वो कामयाब ना होती। देखो, उस वक्त इसके पास व्लॉगिंग नहीं थी, हो सकता है इसने इतनी ही एफर्ट दिखाई हो। अब सामने क्या गलत है, अब सिर्फ सब रौनक को इसलिए सही बोल रहे हैं क्योंकि दीपिका की शादी पसंद की दूसरी निकल आई है। देखो, चीटिंग मुझे पता है किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं होती है, लेकिन चीटिंग एक इंसान उसी वक्त करता है जब उसको अपने पहले रिश्ते में बहुत सारी कमियां मिल रही हो, उसको एक बहुत मेंटल टॉर्चर मिल रहा हो, तो वो चीटिंग की तरफ दूसरी बार सोचता है ना। मतलब ऐमे ही देखो, अगर उसने चीटिंग की है तो वो गलत ही है। लेकिन जितनी ज़्यादा डोरमेट वो अब है, जितना ज़्यादा अपने इन लॉज को वो रखती है, जितना ज़्यादा वो शुएब को पैम्पर करवाती है, स्पेशल फील करवाती है, क्या पता उसने फर्स्ट शादी में भी इतना सब कुछ किया हो, यहाँ भी इसको रिटर्न कुछ खासा नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा खासा उसको रिटर्न मिल रहा हो, ऐसा रिटर्न दिख नहीं रहा है। क्योंकि डे बाय डे एक औरत के कहते हैं ना कि फेस से दिखना शुरू हो जाता है, तो वो डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें बहुत बड़े सवालिया निशान खड़ा करती हैं कि ऐसा क्या है उसकी ज़िंदगी में जो वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब लगती है, उसका हुलिया डे बाय डे ख़राब होता जा रहा है, अजीब होता जा रहा है। मतलब वो एक तरफ डिज़ाइनर बन रही है, दूसरी तरफ अगर आप उसका हुलिया देखो तो लॉन्ग मॉक्सी के ऊपर वो पहन के घूमती है, अपर पहन के घूम रही होती है। मेरे को ना मनीष मल्होत्रा की छठी नस्ल याद आ रही होती है, मैंने कहा यार तुम मनीष मल्होत्रा बनने की एक्टिंग कर रही है, बट वो अलग कैटेगरी है भाई, आप सभ्यसाची नहीं हो, आप मनीष मल्होत्रा नहीं हो, आप वो कौन सी एक और फेमस डिजाइनर है, आप वो नहीं हो। अजीब सी डिजाइनिंग यार, जो बंदी अपनी डिजाइनिंग नहीं सही कर पा रही है, जो अपने कपड़ा ऐसे अजीब बना रही है, वो कैसे, मतलब मुझे तो बड़ा भाई सवाल निशान हो रहा है इसकी वेबसाइट पे। लेकिन एक तरफ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ वेबसाइट को लेकर, हो सकता है शायद हम जो सोच रहे हैं वो ना हो और बहुत अच्छी डिजाइनिंग में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जो भी होगा, आपको पता है ऑनेस्ट हम अपना रिव्यू शेयर करेंगे कि हमें कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और खास करके पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा देखा जाएगा। अभी तो काफी पब्लिक उसकी जो है एक्साइटेड है, वो एक्साइटमेंट उसकी इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा आज भी फेमस है भाई, आज भी लोगों के दिलों में वो बंदी राज करती है अपने काम की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो जिस बंदी ने सवाल किया था, मेरा उसको यही आंसर है कि यार हो सकता है उसने दी हो इतनी एफर्ट, लेकिन उस टाइम पर जब उसने एफर्ट की उसको नहीं मिला तो उसको लगा नहीं मैं शादी से निकल जाती हूँ, मुझे शायद दूसरी जगह से मिल जाएगा। लेकिन आज जब दूसरी जगह से भी उसको इतनी एफर्ट करने के बाद सब कुछ नहीं मिल रहा, तो आज देखो वो कट रही है अपने इन लॉस से, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती इनके घर में। पहले दीपिका शुएब होता था, आज इतने दिन हो गए हैं शुएब नीचे नज़र नहीं आता है। सभा का व्लॉग तो आ ही रहा है ना, शुएब के व्लॉग नहीं आ रहे, लेकिन सभा का व्लॉग तो आ ही रहा, वो दिखाती कि देखो चिकन बना इतने टाइम पर, जहाँ पर एक बार हरा चिकन इसने बनाया, देन दूसरी बार जो है वो चिकन अम्मी ने बनाया, लेकिन शुएब और दीपिका नजर नहीं है। वरना तो जब भी इनके घर में ऐसा कुछ चिकन बनता था तो शुएब आता था खाने के लिए, जो कि पहले नॉर्मल ही था, लेकिन अब शुएब बिल्कुल ही गायब हो गया है, नहीं आता है, नीचे नज़र ही नहीं आता है। इवन अभी बेटी खाला, नाजा खाला वगैरह भी हैं, उसमें भी शुएब नज़र नहीं आया, आता था। ऐसा नहीं था कि पहले एक दूसरे को कैप्चर नहीं करते थे वो लोग वीडियो में, अगर दीपिका और शुएब गायब भी होते थे तो सभा उनको अपने व्लॉग्स में दिखा देती थी कि भाई भाभी आए हैं, नीचे बैठे हैं, अभी हम ये ऐसे मस्ती कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, तो वो कोई मौका छोड़ती नहीं है अपने कॉन्टेंट का। तो इतने बड़े बड़े मौके वो नहीं छोड़ सकती जहाँ भाई भाभी इतने देर से गायब हों और उसके भाई भाभी नीचे आए और वो उनको कैप्चर ना करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा दिखाना पड़, जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा गा रहे हो कि नहीं यार हम मेरे ससुराल वाले तो बहुत प्यारे हैं, और मुझे इस कोई भी रिश्ते में अगर आपको ज़्यादा बताना पड़ जाए ना, तो मुझे लगता है वो रिश्ता शायद अंदर से खोखला है। जैसे कि सनी का सीन है, सनी हर बार बोलता है तो सभा जो है वो बहुत अच्छी बहू है, मैं खुश हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और जब जहाँ के देखो तो वहाँ रिश्ता आपको जो दिखना है, जो विजुअल हो रहा है, वो बिल्कुल का बिल्कुल खाली एक खोखला है। यानी हमको नज़र आ रहा है कि वो अपने इन लॉस के साथ कैसी है और इन लॉस के जाने के बाद वो अचानक से कैसा उसके मूड स्विंग्स होते हैं ना। ये बात लड़ाई झगड़ों को हम छोड़कर अगर नॉर्मली भी देखा जाए, जब वो मौदहा जा रही होती है तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगी। अब ये काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि मौदहा ट्रेन का सफ़र करके जाती है इसलिए बीमार जाती है, तो भाई मौदहा से जब मुंबई आती है तो भी तो ट्रेन का सफ़र करके आती है ना, वो भी उतना ही लंबा होता है, तब तो वो बीमार नहीं पड़ती है। लेकिन मौदहा जाती है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, आप देखना उसके चाल में ना बहुत ज़्यादा धीमापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा वो अपने आपको बीमार बीमार और इस टाइप का समझना शुरू कर देती है। तो ये फ़र्क हमें नज़र आता है,
तो इसीलिए आपके बोलने से कुछ नहीं होता जब तक आपका अमल वो चीज़ ना दिखा रहा हो ना, अमल में तो आपका कुछ और है। उसी तरीके से दीपिका बहुत अच्छा अच्छा कहती थी कि मेरे इन लॉज ऐसे हैं, इवन उसने IPTU गाइस भी किया था, सब कुछ किया था उसने कि मेरे इन लॉज ऐसे हैं वैसे, लेकिन आज दिखने में पूरा उलट है। यानी एक रोहान के भी अगर ये सोच रहे कि अगर दीपिका एडमिट हो जाती तो रोहान का क्या होता, ये इन्होंने क्रिटिक वे में भी बोला है। अगर आप देखो तो एक नॉर्मल बात चली, यानी कोई मजाक मस्ती नहीं था कि हम बोले कि हाँ मजाक मस्ती था, ये था एक क्रिटिक वे में ही उन्होंने बोला कि क्रिटिकल वे ही था इनका कि यार रोहान को कौन संभालता। यानी वो वाकई एक तरीके से फिक्रमंद तरीके से बोला गया कि यार रोहान का क्या होता, रोहान भी फिर साथ रहता, मतलब कि उनको इतना भरोसा, अगर ऐसा होता जितना ये लोग ज्यादा कहते हैं दीपिका यहाँ पर मुंह तोड़ लेती कैसे रहता, मतलब क्या है। और उसको तोड़ना भी चाहिए था कि अम्मी है मम्मी है जिसका ये बोलती रहती है, तो बोल सकती थी कि यार दोनों संभाल लेती, नानी कितना रखती है, नानी का तो बिल्कुल शोएब के ब्लॉग में से तो नानी बिल्कुल माइनस हो गई है, बिल्कुल ही नजर नहीं आती है। दीपिका के ब्लॉग में उसकी माँ नजर आती है कि है, उसकी माँ संभाल रही है, रोहान को रख के बैठी है, लेकिन शोएब के ब्लॉग में आपको नजर नहीं आएगी, उसने बिल्कुल गायब कर दिया है उसकी। इसीलिए उसके पास ज्यादा कंटेंट भी नहीं निकल पा रहा, क्योंकि 24 घंटे में से 18 घंटे बच्चा उसकी नानी के पास होता है, जो थोड़ी देर का कंटेंट बच्चा होता है तो वो कंटेंट निकाल लेता है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी कमेंट पे बात करेंगे, थोड़े से कमेंट्स में ऐड करूंगी आप लोगों के जो उस ब्लॉग में थे। तो ये कमेंट, अच्छा कमेंट में लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। मैडम नीड्स अटेंशन बिकॉज जनाब नेवर गिव्स हर एनी, सो उसे नाटक करने पड़ते हैं। अच्छा फिर नीचे जवाब आता है यू लिव इन देयर बेडरूम टू नो दैट। अच्छा जो इंसान बेडरूम की चीज़ें खुद बता रहे हैं तो हमें ज़रूरत ही क्या उनके बेडरूम में जाने की, वो खुद बता रहे हैं हमको। अच्छा नीचे एक और उनको जवाब दिया जाता है, ओके नीड टू लिव इन देयर बेडरूम देम सेल्फ शो देयर बेडरूम बाथरूम एवरीथिंग एंड फॉर योर नॉलेज शी सेड इट हरसेल्फ द ही डज नॉट गिव हर अटेंशन। ठीक है, ये बात की गई। अच्छा नीचे उसको रिप्लाई दिया जाता है बंदी को, दे डोंट डू डैथ अल्लाह अकबर, डोंट से अननेसेसरी थिंग्स जस्ट टू प्रूव योर पॉइंट। अरे भाई मतलब ये जो लास्ट वाला कमेंट है ना, मैं उसको बोल रही हूँ भाई आप जाओ जाके जब व्लॉग शुरू होता है जाके देखो, उसने ये चीज़ कही है कि उसको जब वो अटेंशन नहीं देता तो वो करती है ऐसी हरकतें, तो आप कैसे बहस कर सकते हो। और बेडरूम और बाथरूम और हम नहीं जा करें इनकी, मतलब कि उनके घरों में ये खुद शो कर रहे हैं हमें ये सारी चीज़ें, ये बेडरूम की चीज़ें इन्होंने खुद शो की है, उन्होंने खुद बताया कि मुझे अटेंशन नहीं देता, उन्होंने खुद अपनी चीज़ें शो की है कि हम रात को 4 बजे तक बैठ के बातें करते हैं, ये लोगों ने नहीं देखा है। उन्होंने खुद उल्टी टी शर्ट पहन के उल्टे बनियान पहन के खुद को दिखाया, एक दूसरे की टी शर्ट अदल बदल करके दिखाया है, जो कि हम नहीं, हम उनके बेडरूम में जाके नहीं कर रहे हैं सब कुछ कैप्चर, ठीक है नोटिस कर रहे हैं क्योंकि हमें दिखाया जा रहा है तो हम देख रहे हैं। अब जब देख के बात हो रही है तो व्हाई आर यू भड़किंग, मतलब ना जो इनके डायहार्ट फैंस है ना, मुझे समझ में नहीं आता वो पता नहीं क्यों उस तरीके से रिएक्ट करते, जो चीज़ वो खुद कह रहे हैं उसके बाद भी वो कहते हैं हम सामने से निगलेक्ट कर दें, हम उस पर रिस्पॉन्ड ना करें, वो पॉसिबल नहीं है यार, वो अपने सामने से खुद कह रहे हैं तो हम कैसे उसको निगलेक्ट कर सकते, नहीं कर सकते ना। अच्छा जी ये कमेंट था, इनकी सारी ऑडियंस पाकिस्तान से है, तभी तो फौजी मैन के रोल को भी पाकिस्तानी ऑडियंस को कहा था पापी पेट का सवाल है। ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल ट्वीट रही थी शुएब इब्राहिम की, उसके बाद ही ज़्यादातर जो ना वो इतना ज़्यादा जो ट्रोलिंग शुरू हुई है ना शुएब इब्राहिम की, वो इसी बात हुई है। आप सबको याद होगा शुएब इब्राहिम ने एक फिल्म की थी जिस पर दीपिका बहुत नाची थी, उसका आज तक उस बात पर मजाक बनाया जाता है, यानी इतना नाची थी कि वो जमीन आसमान तक पहुंच गई थी जब वो बिग बॉस से बाहर निकली थी, जब उसने वो पोस्टर देखा था, ये उसी फिल्म की बात हो रही है। उसमें उसने जो रोल अदा किया था ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट था, ठीक है ना, क्योंकि हम सबको बताइए यार ये टिपिकल होता ही है, और ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ बन रही है, पाकिस्तान में भी जब ऐसी कोई फिल्म बनती है वॉर्स के ऊपर तो वहाँ पाकिस्तान को राइट दिखाया जाता है और इंडिया को गलत दिखाया जाता है। इसी तरीके से पाकिस्तान में बनती है तो वहाँ पर, सॉरी इंडिया में बनती है तो वहाँ पर इंडिया को राइट दिखाया जाता है, पाकिस्तान को गलत, तो यही तरीका है। हम अपने मुल्क पर रहते हुए अपने मुल्क को गंदा थोड़ी बोलेंगे और ना ही दिखाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वहाँ पर वो फिल्म होती है तो उस पर जो है वो पाकिस्तानी फैंस जो इसके हैं वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं ना, क्योंकि ऑडियंस तो उसको पाकिस्तान से काफ़ी देखती थी ना शुरू से, ससुराल से मैंने आपको मैंने बताया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर था। तो ये उस पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक तरीके से ट्वीट करता है। देखो मुझे लगता है जो अपने देश का सगा नहीं है, जो उस देश में बड़ा हुआ है वो उसका सगा नहीं है, अपने देश को हर कोई सही नज़र से देखता है, सही है, कहते हैं ना अपने बच्चे को हर कोई सही नज़र से देखता है। अगर आपको लगता भी है ना कि हाँ ठीक है कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं सही, देखो गलतियां हुई होंगी, दोनों तरफ से गलतियां हुई होंगी, शायद कहीं पाकिस्तान की गलती हुई होगी तो कहीं इंडिया की गलती हुई होगी, लेकिन अपने देश को कोई बुरा नहीं बोलता। अपने देश के अंदर अगर वो अपने देश के लिए कोई काम कर रहा होता है या अपने देश को कहीं से रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि वो अपने देश के लिए एक तरीके से ना, और आर्मी तो वैसे ही एक कह लो, हमारे पाकिस्तान में आर्मी को लेकर बहुत ज़्यादा जो ना वो अजीब हुआ है ना, आप सबको पता है जमहूरियत की वजह से आर्मी पे बहुत सारे सवाल उठे हैं, लेकिन जो आर्मी की इज्जत है ना वो आज भी बहुत है हमारे दिलों में, क्योंकि हमें पता है कि आज हम बहुत सारे बातें हैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन हमें पता है कि आज भी हम
उसी आर्मी की बदौलत इसी देश में, आजाद देश में सांस लेते हैं, सही है। वो अगर बॉर्डर्स पे ना हो, अगर वो रखवालियां ना करें, तो शायद माहौल जो है वो दूसरा हो। जिन देशों की आर्मियां अच्छी नहीं है, जिन देशों की आर्मियों में ताकत नहीं है, आप देख लो उन देशों के क्या हाल होते हैं। हम सबको पता है ना, जिन देशों की आर्मियों में, हमारे देशों की आर्मियां, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो, उन्होंने अपनी आर्मी के पीछे जो ना बहुत बहुत पैसा भी लगाया है और बहुत जान भी लगाई है, और वो आर्मी जो है वो रिटर्न भी बहुत कुछ दे रही है, बहुत ज़्यादा अपनी जान जोखिम में लगाकर आप एक उसका कैरेक्टर निभा रहे हो। मैं बात नहीं कर रही, मुझे उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं एक जर्नली बात कर रही हूँ। आप उस आर्मी का, उतनी बड़ी आर्मी का आप एक कैरेक्टर निभा रहे हो, एक तरीके से आप फौजी का कैरेक्टर निभा रहे हो, उसके बाद आप इस किस्म का कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दे रहे हो, आप क्यों खुश करना है आपको ऑडियंस को? भाई ठीक है, सब करते हैं, फिर भी उसके बाद जिसको जो फैन रहना है, मुझे बताओ, इतनी सारी इंडियन फिल्में आई हैं जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के खिलाफ है ना, वो पाकिस्तान में बैंड है। खैर अब तो पूरी इंडियन इंडस्ट्री को जो है वो पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, नहीं आती हमारे इधर इंडियन की कोई फिल्में नहीं पब्लिश होती, ना कोई सिनेमा में लगती हैं। उसके बाद से आप सिनेमा के हाल देख लो, वो भी बंजर पड़ गए, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मों में कोई दम नहीं है, सीरियसली कोई दम नहीं है। लेकिन हाँ, तो बैंड पड़ गई हैं, लेकिन जब उस टाइम पर जब इंडिया की फिल्में लगती थी, जब ऐसी कोई फिल्म आती थी तो पाकिस्तान में बैंड हो जाती थी। लेकिन अगर आप उनके फिर भी फॉलोवर्स देखो तो आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे जो उनको पसंद करते थे, क्योंकि सब एक टाइम पर समझ जाते हैं कि वो उन्होंने रोल निभाया। कौन अपने मुल्क को गंदा दिखाएगा? मुझे बताओ, एक मुल्क में, एक पाकिस्तान में एक फिल्म मूवी बनती है जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान की जंग को दगाया जाता है या इंडिया पाकिस्तान के मसलों को उठाया जाता है, तो वहाँ पाकिस्तान अपने आप को गंदा दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, कौन अपने आप को गंदा दिखाएगा? तो वैसे इंडिया का है, तो जब हम अपने मुल्क के लिए ऐसा सोच सकते हैं, तो हम किसी सामने वाले मुल्क के लिए ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि भाई वो भी अपने मुल्क को थोड़ी गंदा दिखाएगा? और तुम वो कैरेक्टर निभा के, ठीक है, तुम उसको इग्नोर कर देते, तुम कमेंट ना करते, तो शायद इतना बड़ा हल्ला ना मचता। तुमने उस चीज़ को सिर्फ ये बताया कि तुम्हें कोई इज्जत नहीं है तुम्हारे मुल्क के आर्मी को लेके, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए कर लिए क्योंकि तुम्हें पैसा मिल रहा था उसमें, तुम्हारे पापी पेट का सवाल था, यानी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी आर्मी को लेकर। अपने मुल्क को कौन खराब बोलता है, मुझे ही बता दो, अपने मुल्क की कुर्बानियों को कौन बोलता है कि यार उन्होंने गलत किया? हालांकि बहुत सारी जगहों पर हमारे जो अभी हमारी जब घर में भी एक सियासत वाली टॉक होती है ना, तो कभी कभार हमारे घर वाले बोलते हैं कि यार शायद ये अलहदगी बहुत बड़ी वजह बनी है, मतलब कि एक तरीके से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लॉस में, हम सबको पता है इस टाइम पर पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत ज़्यादा सर्वाइवल उस पर है, पोजिशन पर बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है, लेकिन उस चीज़ पर है। लेकिन उसके बाद भी हम अपने मुल्क के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि नहीं यार हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। और जो बंदा अपने मुल्क को लेके ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दे सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो सिंपति या उसको बोल लो कि हेटरेट तो उसने खुद ही स्टार्ट किया ना, लोगों ने तो उसको हेट नहीं, जितनी मोहब्बत उसको लोगों ने दी है उतनी मोहब्बत तो शायद ही किसी इन्फ्लुएंसर को मिली होगी। सीरियसली जितनी मोहब्बत उसको शुरू में मिली थी, इतना लोग उसको पसंद करते थे, डाउन टू अर्थ, लिटरली मेरे नज़र में भी वो सिर्फ बंदा डाउन टू अर्थ था कि नहीं यार इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद, भाई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नाम रखते थे ये दोनों, इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी कितना डाउन टू अर्थ, किस तरीके से अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, कोई ईगो नहीं है, कुछ नहीं है। आपने अपनी, कहते ना कि नाम बनाना तो आसान है, आप उस नाम को अपने कायम ना रख सके, और वो कायम आपने खुद छोड़ा, वो नाम आपने खुद गंवाया। लोग पॉडकास्टर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पॉडकास्टर्स इनके पीछे पड़े, पॉडकास्टर्स और रिव्यूवर्स हर किसी के पीछे पड़ते हैं, हर किसी के बारे में बात करते हैं, हर किसी के, लेकिन कोई भी एक टाइम पर होता है फिर वो नॉर्मल, अपने उनके व्लॉग्स अच्छे होते हैं, वो अपने व्लॉग्स के अंदर चीज़ों को ठीक करता है और उसके बाद वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये बंदा जब भी मुंह खोलता है ना किसी भी ऐसे चीज़ को लेके, इतना गंदा बोलता है ना कि सीरियसली आप खुद बोलते हो कि भाई तुम पहले अपने गिरेबान में झांको, तुम ज्ञानबाजी, क्योंकि आप इधर बैठ के अगर ज्ञानबाजी कर रहे होगे और आप अपनी ज़िंदगी एक तरफ सोशल मीडिया पर दूसरी तरीके से प्रेजेंट कर रहे होगे, तो लोग सवाल करेंगे कि भाई तुम्हारे ज्ञान में और अमल में इतना फ़र्क क्यों है? और अगर तुम्हें उसको लगता है कि उस फ़र्क को अगर लोग पहचान गए, वो तुमसे हेट कर रहे हैं या तुमसे जेलस हैं, तो इसके लिए इलाज की ज़रूरत फिर आपको है, सीरियसली आपको है। तो भाई मुझे तो जो ना, जब से मैंने जब ये ट्वीट वगैरह उसकी देखी थी, जब मैंने सारी चीज़ें देखी थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस वक्त से ही अजीब बंदा लगना शुरू हो गया। और देन अगेन आप देखो, कुछ एयर ही तकरीबन 2 से 2.5 साल बाद ही, जब से कोरोना ख़त्म हुआ, खास करके जब से सबा की शादी हुई है, उसके बाद से जो उन्होंने अपने बदलाव चेंज किए हैं ना, पता नहीं किस चीज़ का था, शायद उसको था कि सबा की शादी अच्छे से हो जाए तब तक मैं ऑडियंस के साथ अच्छे से रह लेता हूँ ताकि मुझे पैसा मिल जाए, फिर ऑडियंस बोले डाउन भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता नहीं क्या थिंकिंग लेके बैठे हुए थे। लेकिन वो जो चेंज किया ना, मुझे सीरियसली नहीं अच्छा लगता, मैं अब भी देखती हूँ शायद कुछ चेंजिंग आ जाए, पसंद करा था ना, एक टाइम पर हम उनके बहुत ज़्यादा क्रेजी टाइप के फैंस रहे थे,
तो अच्छा लगता था देखकर, बट लेकिन अब वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। अपनी बीवी को आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, एक तरफ जब आपने इन्फ्लुएंस किया पीरियड्स को लेके कि नहीं यार अपनी बीवी की पीरियड्स में केयर करो, तो लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नहीं यार ऐसे मर्द होने चाहिए, मर्दों को सीखना चाहिए इससे। आज वो चीज़ तो एक वक्त पर तुमने वो चीज़ सिखाई और आज तुम सिखा रहे हो कि तुम्हारी बीवी नाटक करती है। वो कहने को बहुत छोटा मजाक है, मैं फिर कह रही हूँ कि बहुत छोटी सी बात है, नॉर्मल घरों में होती रहती है, लेकिन उन नॉर्मल घरों को देखने वाले ना 1.5 मिलियन लोग नहीं होते। उन लोगों की बातों से ना बहुत सारे मर्द इंस्पायर नहीं होंगे क्योंकि वो उनके घर की बात होगी। आप जब सोशल मीडिया पर आते हो तो आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप इतना कुछ फेक कर सकते हो ना, तो इन चीज़ों पर भी आप ध्यान रख सकते हो कि यार हम किसी और को इन्फ्लुएंस ना कर दे। कोई अपनी बीवी को घर जाकर ये ताना देगा कि तू भी नाटक करती है, जब वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर नाटक कर रही है तो फिर तू क्या चीज़ है। ये आप लाइन खोल रहे हो ना लोगों के लिए। और यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि हम सिखा रहे हैं, लोग बच्चे नहीं हैं यहाँ पर, सब सीखते हैं, सबको पता है। वो इतने बड़े एक्टर होकर ये हरकत कर रहा है तो उसको ये सब कुछ समझना पड़ेगा कि वो गलत कर रहे हैं। इनको ये चीज़ को एहसास होना चाहिए कि मैं अपनी बीवी को सोशल मीडिया पे जलील कर रहा हूँ, मेरी बीवी को मेरे लिए अपने टाइम के लिए, मेरे टाइम के लिए, मेरे केयर के लिए उसको ये नौटंकी करनी पड़ती है। ये बहुत बुरा साउंड कर रहा है, सीरियसली बहुत बुरा साउंड कर रहा है। खैर बहरहाल मुझे पता है कि जो इनके बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फॉलोवर्स है वो नहीं समझते, उनको लगता है शायद हम हेट करते हैं या हम उनसे जालस हैं। नहीं भाई, बात तो सब पर ही होती है। खैर बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, और अपनी राय लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा जो भी आपकी राय है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।